यस 7.7 एक्सरसाइज, 7.4 एक्सरसाइज हमने कर ली है परम्यूटेशन की, 7.5 और 7.6 नहीं करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ एलिमिनेट हुआ है, कुछ डिलीट हुआ है हमारा सिलेबस उन्होंने सेलेक्ट किया, तो उसमें जैसे 7 चैप्टर में हमारी 7.1 एक्सरसाइज फंडामेंटल लॉ वाली करनी है, फैक्टोरियल वाली वो 7.2 भी कर ली हमने, फिर 7.3 परम्यूटेशन वाली जिसमें NPR वाला फॉर्मूला यूज़ होता है वो कर ली है, और उसके बेसिक क्वेश्चन की हमने एक एक्सरसाइज कर ली है क्योंकि उसने कहा है कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन 7.4 कर ली है, 7.5 और 7.6 हम नहीं करेंगे, उसके बाद 7.7 और 7.8 करेंगे, ये कम्बिनेशन वाली है जो कि NCR वाली है, और ये वाली उसके लिए उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी 7.7 एक्सरसाइज कम्बिनेशन वाली है NCR वाली, तो NCR जैसे NPR का फॉर्मूला होता है वैसे NCR का भी फॉर्मूला होता है, NCR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर उसके बाद N में से R लोगों को सिलेक्ट करने के लिए कम्बिनेशन यूज होता है, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन NCR। NCR का मतलब ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके, और एक फॉर्मूला ये भी है जो NCR की वैल्यू होती है वही NCN-R की वैल्यू होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 15C2 की वैल्यू निकालनी है तो आप 15 में से 2 गए तो 13 की, तो आप 15C2 की वैल्यू निकाल चुके हैं तो 15C3 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों सेम होते हैं बाय दिस वन फॉर्मूला। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये हमारा सेकंड, थर्ड, दो कम्बिनेशन आपस में बराबर, ये देखो तुम्हारे सामने ही है, दो कम्बिनेशन आपस में बराबर कब हैं, ये दोनों कम्बिनेशन आपस में बराबर कब हैं, या तो नीचे वाले सेम हो या तो नीचे वाले ही सेम हो तभी कम्बिनेशन, यानी 15C2 के बराबर ही होगा, या फिर नीचे वालों का जो सम है ना, नीचे वालों का सम यानी कि P और Q का जो सम है वो ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 और 13 का जो सम है वो 15 के बराबर है ना, इसलिए आपकी वो कम्बिनेशन वाली दो इक्वल होना इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी सही है। तो दो कम्बिनेशन आपस में बराबर हों तो क्या होता है, या तो नीचे वाले बराबर हों या नीचे वालों का सम बराबर है ऊपर वाला हो, तो आपको कम्बिनेशन को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनकी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। फॉर एग्जांपल आपका सम है NC2 = NC6 है, वो कह रहा है फाइंड एन करो, ये हमारी एक्सरसाइज का सम ही है, दो कम्बिनेशन आपस में इक्वल दे रखी हैं और वो एन की वैल्यू मांग रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो 2 = 6 हो या नीचे वालों का सम = ऊपर वाला हो, तो n की वैल्यू यहाँ से तो नहीं निकल रही, पर यहाँ से तो निकल ही रही है, n की वैल्यू 8 आ गई, बस इसके अलावा कुछ भी कह सकता था अगला निकालने को। नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ, दो कम्बिनेशन अगर आपने प्लस करने आ गए, पर वो शर्त यह है कि दो कम्बिनेशन के ऊपर ऊपर वाले सेम होने चाहिए, NCR और NCR-, और नीचे वाला जैसा इन दोनों में एक बड़ा है तो जस्ट उससे एक छोटा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 15C2 और 15C3 अगर इन दोनों को जोड़ना पड़ जाए तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, वो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, वो आइडेंटिटी है ऊपर वाले में तो एक प्लस हो जाता है और नीचे वाले में जो बड़ा है वो लिया जाता है, तो आपका इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसी पे अगर वो रिजल्ट अप्लाई करें तो 15 में एक प्लस हो जाएगा और नीचे वाले में जो बड़ा है वो लिया जाएगा, बड़ा कौन है 2 या 3, ऑफकोर्स 3 बड़ा है, तो अपना आंसर आ गया 16C3। तो अगर ये मान लो प्रूव करना आ जाए तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बेस पे हम स्टार्ट हैं, बस ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी NCR वाली फॉर्मूला, दूसरा NCR और NCN-R इक्वल हो होते हैं, तीसरा NCP = NCQ वाली, और चौथी ये वाली, ठीक है। इसके बेस पे बस अब सम स्टार्ट है एक्सरसाइज के, जैसे अपना ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो ही गया, 9C3 निकालना है, 20C18 निकालना है, 100C99-97 निकालना है, ईजी है जैसे सारे 7.7 एक्सरसाइज के सम, 100C97 ये देखो करके देखते हैं एक दो सम, 100C97 तो इसको खोलेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से 100 फैक्टोरियल ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके भी फैक्टोरियल। अब 100 बड़ा है या 97 बड़ा, ऑफकोर्स जो बड़ा होता है हम उसी को खोलते हैं, तो 100 और 97 में से 100 बड़ा है, 99, 98, 97 पे स्टॉप कर दिया, ठीक है, और 97 तो अपने पास पहले भी पड़ा है, और 3 फैक्टोरियल को भी खोल दिया, 3 इंटू 2 इंटू
197 फैक्टोरियल कट हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 भी कट हो रहे हैं, 33 ये 2 भी कट हो रहे हैं, 49 अब सबका मल्टीप्लाई कर लो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट रहा हमारा 100C97 ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके 3 फैक्टोरियल, 100 को 97 तक खोला, 100, 98, 97 वाला ये खोल के जो कटते हैं काट दिए, मल्टीप्लाई करो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज का सम स्टार्ट हो चुके। ये देखो सिक्स पार्ट है, मान लो 31C26 30C26 खोल लो बस, कोई चक्कर नहीं है, चाहो तो इस पर भी आइडेंटिटी लगा सकते हो, पर हम नहीं आइडेंटिटी, बस इसको खोल लो, इसको खोल लो, आंसर आ जाएगा, इजी है। सेकंड सम के फर्स्ट पार्ट पे तो साफ साफ आइडेंटिटी लग रही है, जो आपको अभी सिखाई थी 8C4 और 8C3, ऊपर वाले सेम है, बीच में प्लस का भी साइन है, तो ऊपर वाले सेम हो तो ऊपर वाले में एक प्लस हो जाता है और नीचे वाले में जो बड़ा हो वो लिया जाता है, बड़ा कौन है 4 या 3, तो बड़ा 4 है तो 4 ले लिया, तो रिजल्ट आ गया 9C4। यही तो राइट हैंड साइड थी, प्रूव करनी थी 9C4 ही, खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका थर्ड पार्ट है समीशन R=1 से लेकर 5C R=31 प्रूव करना है अपने को, कर देते हैं भाई। समीशन का मतलब होता है प्लस करना है, आर की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक रख के उनको प्लस करना है, यानी ये बन गया 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, और समीशन का मतलब उन सबका प्लस। तो ये सारी वैल्यू हम निकालते हैं 5C1 फॉर्मूले से खोल के, ये 5 आएगा, अगले वाला 10 आएगा, अगले वाला फिर 10 आएगा, अगले वाला फिर 5 आएगा, अगले वाला 1 आएगा, अब इनको खोल के और ऐड कर दोगे तो रिजल्ट 31 ही आना है, तो 31 ही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब वही आ गया देखो थर्ड सम में, जो आपको करवाया था, थर्ड का फर्स्ट मैं कर ही चुका हूँ, थर्ड का सेकंड एक और कर लेते हैं। दो कम्बिनेशन आपस में बराबर पड़े हैं और एन की वैल्यू मांग रहे हैं, तो अगर आप इनके फॉर्मूले लगा के खोलने लगे तो बड़ा ही टाइम वेस्ट हो जाना है, तो अगर आप आइडेंटिटी लगाओ तो स्मार्ट वर्क है, आइदर या तो नीचे वाले बराबर या नीचे वालों का सम बराबर ऊपर वाला, तो ये एन की वैल्यू 22 आएगी, ये तो नॉट पॉसिबल है, 10 और 12 कोई बराबर थोड़ी होते हैं, तो अपने को तो फाइंड है एन सी 5 भी करना है। अब एन की वैल्यू जो निकलेगी वही तो आएगी 22C5, बस इसको खोल लो फॉर्मूले से, फैक्टोरियल नोटेशन लगा के और आंसर आ जाना। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करोगे तो एक्सरसाइज जैसे हो जाएंगे, आसान सी है, परमुटेशन जैसी है। फोर्थ का फर्स्ट है n+1C या n-1=36 दे रखा है, फाइंड n करो, कर दे आसान से, बोलो क्या होगा फॉर्मूला, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस भी कर दिया, माइनस कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, =36। एन से एन कट चुका है, अब एन प्लस वन और एन माइनस वन में से कौन बड़ा है, अफकोर्स एन प्लस वन बड़ा है, एन प्लस वन एक कम किया, एन ने एक कम किया, एन माइनस वन पे स्टॉप कर दिया, नीचे भी एन माइनस वन पड़ा ही था, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में कौन पड़ा है, वन और वन टू पड़ा है, ये टू हो गया, टू फैक्टोरियल का मतलब तो टू ही होना है, अब ये टू को उठा के उधर भेज दो और एन को अंदर भेज दो, तो ये बन गया एन स्क्वायर प्लस एन =72। 72 को इधर ले आओ, 72 इधर आ गया -72, क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर बनाओ, एन की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रखने पर नेगेटिव प्लस वन, कभी ऐसा नहीं होता कि -6 टर्म में से -5 टर्म सिलेक्ट की, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो एन की वैल्यू नेगलेक्ट कर देना, नेगेटिव वाली या फ्रैक्शन वाली। और देखो रेशियो वाला अच्छा सम है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है n+1C R+1 ratio n CR ratio n-1 CR-1 = 11:6:3, और फाइंड कह रहे हैं n और r, तो यहाँ पर तीन चीज़ों का रेशियो पड़ा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो n+1C R+1 ratio n CR सॉल्व पड़ा था, इसमें देखो n+1C R+1 ratio n CR ratio n-1 CR-1, तीन तीन चीज़ों रेशियो में पड़ी हो, तो आपने क्या करना है, पहले दो का रेशियो इधर पहले दो के बराबर रख देना, तो पहले दो का रेशियो 11:6 रख दिया, अगले दो का रेशियो अगले दो के रेशियो के बराबर रख दिया 6:3,
कुछ नहीं आसान है। बस अब इसको अलग खोल लेंगे और इसको अलग खोल लेंगे। ऐसे फिफ्थ का सेकंड है, ऐसे सिक्स क्वेश्चन तो यहाँ से ही स्टार्ट है, बिल्कुल सिक्स तो बनता ही ऐसे है। तो कुछ नहीं है, बस इधर खोलना स्टार्ट किया, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके नीचे वाले को नीचे ही खोला, ऊपर ला के पलट दिया, जो कटने थे काट दिए, जो बड़ा था वो खोलने के बाद हमारे पास ये चीज़ जिसमें हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक एन आर में इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाली उठाएंगे, एन सी आर और एन माइनस वन सी आर माइनस वन, सिक्स बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री कट रहा है तो हम काट ही देंगे, टू आ जाएगा। इसको खोला, एन सी आर और एन माइनस वन सी आर, इधर वाला ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके ऐसे ही नीचे वाले को खोला। फिर नीचे वाला खोलने के बाद हमने ऊपर वाला ला के पलट दिया, एन माइनस आर फैक्टोरियल तो यूँ ही कट गए, आर और आर माइनस वन में आर बड़ा था, आर को खोल लिया, आर आर माइनस वन पे स्टॉप कर देंगे अगले स्टेप में, ये और ये कट गया। एन और आर में एक और इक्वेशन आ गई, बस सीधी सी इक्वेशन आ गई, एन इज इक्वल टू टू आर, और एक फर्स्ट इक्वेशन हमने पहले बना रखी है, एक सेकंड अब बन गई है, एन की वैल्यू टू आर यहाँ पे डाल दो, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में डालो चाहे सेकंड में डालो, एन भी आ जाएगा और एन और आर ही निकालने दे। ये हमने बिल्कुल सेम सम फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड और सिक्स्थ सम था। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, सेवन्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4p2 इज इक्वल टू एन इंटू 4c2, फाइंड एन करना है, बहुत आसान है, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके एन इंटू 4c2, इधर भी ऐसे ही खोल लें, जो कटते हैं काट दिए, ये देखो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर काट दिए, बस ये उठा के उधर बच जाए, एन की वैल्यू आ जाएगी, आसान से है सब, ट्राई करना। ठीक है, कितने 12 क्वेश्चन है, ईजी से हैं, करके देख लेना।